अंदर क्या है? बता अंदर क्या है? सीमेंट है। कहाँ से लाया सीमेंट? बॉम्बे से। यहाँ किसको डिलीवरी देनी है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल, नहीं तो मैं बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये फोन नंबर दिया था और पहुंचते खबर करने को बोला था। मिसेस कॉल, ये आप ही का टेलीफोन नंबर है? जी हाँ। मुझे आपके घर की तलाश लेनी है, मेरे पास सर्च वारंट है। लेकिन मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी कर लेने दीजिए प्लीज। तुम इस तरफ देखो और तुम उस तरफ। जी जी सर। एक बहुत बड़े रैकेट का रिकॉर्ड है सर। 2.5 करोड़ का सीमेंट देश में चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लाइसेंस लेकर इंपोर्ट किया गया और फिर वो ब्लैक मार्केट में प्राइवेट एजेंसीज को बेच दिया गया। यही नहीं सर, इसमें सारे सबूत हैं कि इन डीलिंग्स के पीछे जिन हस्तियों का हाथ है उन सब का ताल्लुक करमचंद के कत्ल से भी है। इस केस से ताल्लुक रखते हुए और भी कोई पेपर्स है तुम्हारे पास? नहीं सर, जो है बस इसी फाइल में है। ऐसा करो, ये फाइल मेरे पास रहने दो, मैं इसे डिटेल में स्टडी करूंगा। जल्दबाजी करने में मुजरिम बचकर निकल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं सर। अर्जुन, तुमने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। जब यशपाल जी ने फोन किया, कॉल के घर की तलाशी हो रही है, उस वक्त इत्तेफाक से मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद था, वरना आपका तो भगवान ही मालिक होता। इस अर्जुन के नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी हो गया यशपाल जी। कमबख्त अपने आप को मां भारत का अर्जुन समझने लगा है। ये तो गरिमत समझी उसने ये फाइल खुद अपने हाथों मुझे सौंप दी। वरना अब आप यशपाल जी इस फाइल को अपने पास हिफाजत से रखिएगा, इनसे बचाकर। इन्होंने तो आज बड़े गर्क कर दिया था। हुआ ये पृथ्वी सिंह जी। नमस्कार साहब। आप ये क्यों नहीं समझते कि इस फाइल के साथ साथ मैं अपना पूरा करियर आप लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं, और आपकी लापरवाही की ये इंतहा है कि आप इतनी कीमती फाइल को संभाल कर नहीं रख सकते? आप अपने घर के संभालते होंगे। तुमने उसे जानबूझ कर अंदर आने दिया, मेरी बलि देकर मुझसे छुटकारा पाने के लिए। मैं क्या कर सकती थी? तुम उसे घर में आने से रोक सकती थी। उसके पास सर्च वारंट था। सर्च वारंट था तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लाइन नहीं मिली। हाँ, लाइन कैसे मिल सकती थी? लाइन तो घर पे मिली हुई थी ना। तुम्हारा पुराना यार आया हुआ था तुमसे लाइन मारने के लिए। तमीज से बात करो। रामजादी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तू अपने आशिक को अपने बदन के साथ साथ मेरी फाइलें भी हवाले कर दे। अब की बार आएगा तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। क्या? मिस्टर कॉल, खबरदार जो अब मुझे हाथ भी लगाया। मैं तुम्हारी रखी हुई औरत नहीं हूँ जिसे जब चाह रौंद दिया। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूँ तो मुझे निकाल के नहीं देते। तुम्हें कसम है मुझे अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। तुम क्या निकालोगे?
तुम में गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन मैं बेगैरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम यहां से नहीं जा सकती। अच्छा, मैं जाऊंगी और हमेशा के लिए जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुलामी और बर्दाश्त नहीं करूंगी। विद्या, रूपा, रूपा जी। दीदी, ये टीवी और वीडियो यहाँ कौन लाया? संजीव लाया है जी, मैंने रूपा को प्रेजेंट दिया है। तुम अंदर जाओ। मैं कहती हूँ अंदर जाओ, मुझे संजीव से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बहन से, जो उसे इतना कीमती तोहफा दे रहे हो? जी, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। प्यार? जी। तुम जैसे रईस प्यार करते नहीं, प्यार खरीदते हैं। मगर मैं अपनी बहन को बिकने नहीं दूंगी, समझे? ये क्या कह रही हैं आप? तुम जिसे प्यार कहते हो वो सिर्फ भूख है, शरीर की भूख। अगर तुम्हें भूख मिटानी हो तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने, कर लो अपनी तसल्ली। मगर खबरदार, जो मेरी बहन। ये क्या नाप शनाप बके जा रहे हैं आप? आप जानती हैं मैं रूपा से शादी करना चाहता हूं। क्या? हाँ। तुम उसे शादी करोगे? मगर कैसे? तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो मत होने दीजिए, शादी उन्होंने नहीं मुझे करनी है। उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत है तुम्हें? अगर हिम्मत ना होती तो प्यार ही क्यों करता? फिर एक काम करो संजीव, इससे पहले कि मेरी बदनामी के साए तुम्हारे प्यार को डस ले, तुम फौरन रूपा से शादी कर लो। दीदी, आप बेफिक्र रहिए, आपने इजाजत दे दी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जीते रहो, जीते रहो। दीदी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम उस लड़की को इस घर में बहू बना के लाओगे? हरगिज नहीं। देखो संजीव, मैं इस घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। डैड, रूपा एक इज्जतदार लड़की है। और उसकी बहन सीमा? हाँ? ऐसी बेवकूफी मत करो संजीव, तुम अपना कैरियर चौपट कर लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, टॉप के लीडर बनो, लेकिन उस लड़की से शादी करके तुम अपने कैरेक्टर पर दाग लगा लोगे। मुझे ऐसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं डैड, जहां लोग कैरेक्टर पर लगे दाग को छिपाने के लिए सफेद कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। संजीव, कौन सा दाग है मेरे कैरेक्टर में? बोल। मेरा मुंह मत खुलाइए डैड, मैं सब जानता हूं। आपने शास्त्री जी के बेटे मेरे दोस्त राजू के साथ क्या किया था? मैंने किया था। और सुन ले, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो रूपा के साथ भी वही होगा जो राजू के साथ हुआ था। मैं मर जाऊं तो दूसरी बात है, लेकिन मेरे जीते जी आप रूपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं।